है इस चीज को लेकर कि यहाँ पर यात्रा हमारी बड़ी पीसफुल है, और जैसे डिबॉम साहब ने सभी बाकी चीजें सभी कवर की हैं, मैं सुरक्षा के लिहाज से कहना चाहूंगा कि जो भी इसके पुख्ता इंतजाम करने हैं पुख्ता इंतजाम करेंगे। और जैसे हमने अभी मीटिंग भी की थी तो उसमें कुछ कुछ चीजें उन्होंने पॉइंट आउट की थी ट्रैफिक के संबंध में, लैंड साइड के संबंध में, और बीजी में कई बंकर लगते हैं, अपने लंगर लगते हैं उस संदर्भ में, तो लिहाजा सभी तरफ से जो है सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो हम पुख्ता करेंगे। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी आपका सहयोग। तो आपके सहयोग के बगैर जैसे कोई संभव नहीं है कोई भी चीज़, सुरक्षा भी आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे पूरा आपका सहयोग मिले, जैसे पहले मिलता रहा है इन दिनों हमने देखा है कि इस इलाके में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई, और एक आपसी जो भाईचारा है सौहार्द हमेशा बना रहा सब लोगों के बीच में। काफ़ी कोशिश हुई इसको खराब करने के लिए लेकिन कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत कम समय में हम लोगों ने आपको बुलाया। बेसिकली डिकॉम साहब ने जब कहा कि हमें चलना है, हम बुढ़ा वहाँ कर रहे हैं, हम एक बार करेंगे, मैंने कहा मेरा भी कभी दर्शन नहीं हुआ तो मैं भी आके देख रहा हूँ। आज चूँकि मैं आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई सब लोगों से मिलकर, और अच्छा भी लगा कि मतलब इतना अच्छा तालमेल है पूरे पूंछ में सब लोगों के बीच में। तो ये एक काबिल एहतराम और काबिल तारीफ चीज़ है, इसका हम बहुत एहतराम करते हैं, और ममनून है, मशकूर हैं आप सब लोगों के कि आप लोग इतने कम वक्त में आए। सबसे पहली बात तो जो समय साहब ने बताई और आप सब ने बताई यात्रा के लिए, हम आपसे पूरे आश्वस्त हैं। आवाज़ नहीं सुनी गई आपकी, जो बात करने का सलीका है जो वो कहीं मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी कहीं है। आदमी साहब हुए, जवान साहब हुए, नरेंद्र सिंह जी हुए, फरीद साहब हुए, अभी पीछे जो समय साहब ने जिस ढंग से साइडिश हुई मंडी में हम थे तो हमने टाइम की वजह से नहीं कर पाए, तो पीछे इजरा उठे हुए कि मेरी शायरी का तो नहीं कर। तो ये कहने का मतलब है कि ये आपको क्या पुंछ में पिछले दो साल में, पहले मैं रहा हूँ, मेरी तो नौकरी यहाँ से शुरू हुई है, सब कुछ दो साल से बहुत सारे पुंछ नहीं बस यूटी में बहुत सारे मसले मसाइल बने। उस टाइम मुकेश सिंह साहब होते थे वीडियो जी के, कई बार हम इमीडिएटली यहाँ पर आए, जो पिछले जिस टाइम से होता था उनको से ये होता था कि मुझे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पर आकर के आप सभी लोगों से बात की जाती थी, और बात वहाँ पर जिस दिन से आपने कहा कि यात्रा की बात यहाँ पर कहा कि यात्रा की आपको किसी तरीके से फिक्र करने की जरूरत नहीं, वहाँ पर उस टाइम भी ये होता था कि इस मसले पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो पंच की रिवायत है और सही है, मैं इस बार भी ये उम्मीद करूंगा अच्छे ढंग से यात्रा होगी, पर आने से और आपसे मिलने की उन्हें से नहीं आ पाते हैं, कुछ मसलियत होती है, कुछ पहुंचाने का बहुत मन करता है और कुछ चीजें पता चलती है। रोड की जो बात की गई वो आपकी बेशक सही बात है, ये वाली रोड है जो आगे काम शुरू करवा दिए गए, बाकी रोड से मैंने पिछले साल से बात की है, तीन चार रोड है उनके काम का पर बात की जाएंगे। तो आज मेरी साहब ने मास्टर जी ने भी सभी लोगों ने आप लोगों ने जो बजट की बात की उसमें कोशिश करके आपको बजट को लाया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे हुई, वहाँ पर भी क्षेत्रपाल जी ने भी बात की बाकी लोगों ने की, वहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यात्री भवन बनाया है वो मैंने पहले आपसे बताया, वहाँ पर भी मोदी साहब का बड़ा यहाँ पर सभी साइन का स्पेशली साइन का भी रहता है, उसमें हम सभी साहब ने कोशिश करते हैं किसी तरीके से चलाया जाए जिसमें एक यात्री निवास बनाया जाएगा जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आश्वासन मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि जब कार्रवाई शुरू की जाएगी तो उसमें कोई भी हो उसको आप किसी को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे या किसी के सपोर्ट में खड़े होने की जरूरत नहीं है, गलत है वो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस तरीके से आगे रिनोवेट किया जाए, एक जेएनके गवर्नमेंट की जो जितनी भी हिस्टोरिकल है उसके रिजनोवेशन के रहते हैं, उसके अंदर डीसी साहब ने आपके किले को स्पेशली भेजा गया है, उसमें ये प्रोजेक्ट आ जाएगा जिससे कि आपका फोर्ट है अच्छे ढंग से आके। बात हुई यहाँ पर तहसील रियाज साहब ने देखी और भी गुलशन जी ने देखी है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पुलिस स्टेशन के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जहाँ जहाँ पे लोरिंग कर रहा है या जहाँ पे जमीन की बात की गई उस जमीन का मैंने डीसी साहब से पहले भी डिस्कस किया है, तो उसमें सिर्फ एक ही है कि हम उसको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है,
उसके हम कोशिश करके किसी भी तरीके से आपको लाएंगे। बाकी आपने लंगर की बात की, डिनर का डीसी साहब ने बता दिया है, तो बाकी चीजें जितनी भी है उस पर काम किया जाएगा। आप लोग तो किसी भी टाइम बताएं कुछ करें वो है। लाइन ऑर्डर की बात है मुझे तुमसे पूरा यकीन है कभी लाइन ऑर्डर नहीं रहेगा। सिक्योरिटी की जहाँ तक बात की जाती है, इसमें कहा गया कि सिक्योरिटी में जब तक पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो, सीएपीएफ हो, कोई भी हो, जब तक आवाम का सपोर्ट नहीं होता कुछ नहीं। हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही है, जगह छान रही है, जा रही है, जहाँ पे मिलता है वहाँ ऑपरेशन भी करती है, सब कुछ करती है, रेंट भी आता है वहाँ से। हमारे भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमारे ग्रामीण लोग हैं, गाँव शहर घर जहाँ पर भी यदि कुछ कहीं है, तो आप मेरी सबसे रिक्वेस्ट रही थी कि आप कृपया करके आप एस एस पी साहब को, डी सी साहब को, डी आई जी साहब को, ए डी जी साहब को, सब लोगों को बताएं, जिससे कि हम किसी भी तरीके से उस पर काबू पाएं। पिछले दो साल से यहाँ पे कोशिश की जा रही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, सिक्योरिटी के तरीके से नहीं, दूसरे भी कई तरीके रखे हुए हमारे जो पास में जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी कहें जो कहें, उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि रजौरी पुंछ का, जम्मू का अमन चैन को किसी भी तरीके से खराब किया जाए। उसमें बताओ मीर साहब ने सबसे पहले कहा कि उसमें शुक्रिया आप लोगों का है, सिविल सोसाइटी का है, आपके घर में पुंछ के लोगों का है, जो आपने किसी भी तरीके से सुझाव पुंछ को कभी खराब नहीं होने दिया। लगी कि भाई इतना भाईचारा जड़ा है वो पहली बार उन्होंने लोगों ने तो पुंछ के अंदर बचाओ और आज है। मैं कहता हूं कि यात्रा बड़ी पुरानी शुरू है, पर जो यात्रा आरंभ में आई सी, जो नैरेटिव उस वक्त उन्होंने माइंड विच से, आज तुम देख सकते हो कि उन्होंने लोगों के अंदर बिल्कुल एक चीज जी है घर घर चुकी है कि भाई हिंदू मुसलमान सिख जो ने पुंछ के अंदर सारे मिलके रह रहे हैं। और सच है कि जिस किस्म की भी ड्यूटी साड़ी लगाई थी, मैं याद है 11 बजे कि भाई चार गड्डिया जड़िया ने वो आ गई यात्रो दया तो उन्होंने हैरान पुरानी पुंछ पे कि जिस पे भी थान सू मौजूद से असं उत्तर गड्डिया पकड़ियां। यह सा फर्ज भी है, ये गुरु नानक की टीचिंग है, सानू हदायत है कि ना को वैरी ना ही बिगाना सगल सन को बने एक पिता एक के हम बार। इस किस्म की टीचिंग सानू से असं बाकायदा कॉपरेट करते आए हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन भी भली पाती गई कि इतने की टीम बड़ी, कोई शक वाली गल नहीं कि किले की जो रौनक है ये सच है कि डी डी सी साहब ने बड़ी मेहनत के नाल बड़े विजन के नाल कानून से एक हथियार से कि भाई इतने नजायज जो एनक्रोचमेंट हुई है उसको रिमूव करवाया, चाहे वह नैगोसीएशन। पर सच यह सी कि इन्होंने लॉ एंड आर्डर को मेंटेन किया। कुछ ऐसी मिलिटेंसी थी और फिर उस पर भी निकला करती थी और कुछ सरिया हो जाते हैं इसमें, इस वक्त कोई नहीं है। तो रिसेंटली गुरुद्वारा मानसर के नजदीक एक ब्लास्ट हुआ, तो देखते देखते ये कहीं भी हो सकता है। तो ये सिविल सोसाइटी का जो एक बड़ा एक अच्छा मुजस्मा है, आप देख सकते हैं जवान साहब बैठे हैं, प्रधान रविंद्र जी बैठे हैं, नित खेतरपाल जी बैठे हैं, गणेश साहब और शमीम साहब में बहुत बड़ी एक कौत है संतरा में। अब इन लोगों का मेरे ख्याल आपसे बड़ी अच्छी तरीका हुई कि डी साहब तो बहुत घूमते हैं, डिप्टन सर एक भी आपको मुबारकबाद देते हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है। आपने किला की बात की तो मेरे ख्याल किला जो है वो 1.5 साल हो गए बहुत जबरदस्त चमक रहा है। देख रहे हैं कि एक पुरानी चीज को, पुराने इवेंट को एक डीसी साहब ने सामने लाया। दूसरा एक जो रिंग रोड हॉस्पिटल की डीसी साहब ने बनाई है, उसमें भी एक बहुत बड़ा हमें फायदा मिला। मैम जी सब इकट्ठे थे, तो ये कुछ ना कुछ हमें डेवलपमेंट भी आपकी टीम ने हमें दी है। पर वक्त के मुताबिक एक मिनट मारा क्योंकि मुझे पीपी साहब ने हैदराबाद से फोन किया, वो कहने लगे कि जो आश्रम बन रहा है वहां पर के जी में कृष्णा घाटी में वहां पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी वहां से लेकिन तो बोरवेल का भी किया था किसी सोर्स से करें तो वो पानी जो मेरे ख्याल है